गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग एवरीवन। कल यार रेस्ट लिया है, पूरा मजा ही आ गया। मतलब दोनों फ्रेश हैं हाँ, बिल्कुल। आज बस हमारे दिन की शुरुआत हो गई है विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट। सो ऑलवेज स्टार्ट द डे विद अ पॉजिटिव थॉट। ओके यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक दिन का गैप हो गया, देखा नहीं है लोगों ने हमें। मम्मी भी व्लॉगर बन गई हैं अब हाँ हमारे साथ। मम्मा क्या और होता है, हाँ हम क्या डालते हैं रोज? क्या व्लॉग? वेरी गुड। व्लॉग एंड में मम्मी को आपको भी एक दुपर सिखा दे। दिखाऊंगा। काशु ने ना मुझे हिंदी में सिखाया है। अच्छा वाह, आधा लव में की मात्रा का। दादी बोलो व्लॉग। क्या बना रही है? ब्लैक फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक। हाँ। तो यार काशु की ना किसी फ्रेंड का बर्थडे था वीकेंड पे, और वो एक्चुअली आगरा चले गए थे बर्थडे मनाने, तो उसका बर्थडे मना नहीं पाए थे, तो आज मंशा उसका केक बना रही है। ओ लुक हूज हियर। क्या वो ब्रेक है क्लास की? हाँ। और वो जो बलून है वो पंजाबी बाग से आ रखा है। ओए आज का प्लान तो सेम ही है, आप देख ही सकते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस देखते हैं हाउ द डे अनफोल्ड्स। So Kashvi, what was happening here? The man was having a problem to join, so I was the leader and I told the exercise. So यार ये जो लैपटॉप है ना, इसमें काशु की बचपन की सारी फोटोग्राफ्स और वो सब डेटा पड़ा हुआ है, और ये ऑन नहीं हो रहा है। ये इसका स्विच तो ऑन हो जाता है लेकिन कोई डिस्प्ले ही नहीं आता है अब। A few moments later. यार बहुत टकरे मारने के बाद बहुत ज़्यादा अब जाके ऑन हुआ है, और अब मैं इसमें से निकाल दूंगा काशु की सारी फोटोग्राफ्स। डरा दिया था इसने मुझे। ये मंशा का केक प्रिपरेशन जारी है। जो तूने तो कहा था तू ब्लैक फॉरेस्ट बनाएगी, तो चॉकलेट है इसकी मिडल वाली जो आइसिंग है ना, दैट्स अच्छा दैट्स चॉकलेट मूज। देखो यार बनेगा तो दिखाऊंगा आज मैं। इसके केक तो होते ही अमेजिंग है। बस मैं खाता नहीं हूँ केक, इसके अमेजिंग बहुत होते पर मैं खाता नहीं हूँ। कभी तो खा लिया करो बेचारी। लास्ट टाइम 500 सब्सक्राइबर्स वाला खाया था मैंने। हाँ, जब तक आप अपनी टंग पे कंट्रोल नहीं करोगे ना, आप अपने गोल्स कभी नहीं अचीव कर सकते, ठीक है? ये मैंने मुझे देख के बोल रहा था। नहीं, मैं तुझे देख के नहीं कह रहा, दिस इज फॉर एवरीवन आउट देयर। यस। जहाँ पे अपने अपनी अपनी जीभ का स्वाद कंट्रोल कर लिया, बस फिर तो दूर ही नहीं है फिटनेस। क्या चल रहा है? ये क्लीन कर रहे हो कबर्ड अपना? अच्छा ठीक है, इधर आओ मैं दिखाता हूँ, देखो मुझे क्या मिला है मेरे। ये देखो कोई मिला है मुझे यहाँ पे। ये कौन है? ये तो मैं हूँ। ये आप हो? हाँ? नहीं यार ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चा है कोई। मैं? ये ना पता है कहाँ पे हो आप? दादी के स्कूल में हो। अच्छा। जब आप छोटे से थे तब, जब दादी रिटायर हुई थी टीचर्स। आज हो गया है माहौल चैलेंजेस का, तो इस बच्चे ने मुझे चैलेंज दिया है कि इस पे कौन सबसे देर तक लटक के रह सकता है। ऑडियंसेस भी हैं हमारे साथ आज, तो आ जाओ देखते हैं कि कौन कर सकता है ज्यादा सबसे ज्यादा। ठीक है चलो आ जाओ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट उसके लिए डिसाइड करेगा पहले कौन करने वाला है। हम कर रहे हैं रॉक पेपर सिजर्स। चलो रॉक पेपर सिजर्स शूट। आई ऑलवेज विन। एक्चुअली मेरे को लास्ट में ही आना था। अच्छा ये तो आपके लिए अच्छा हो गया फिर। 3 2 1 Oh my God. ये कितना रहा? 1 मिनट 17 सेकंड। 1 मिनट 17 सेकंड। चल बेटे आ जा क्लास में। I'm sure you cannot beat me. I can. My name is 1 minute 35. हाथ पूरे लाल हो गए। Okay, 3
3, 2, 1, गो। स्टार्ट कर दिया मैंने। यस काशी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। Don't look there, Kashvi. You have to beat Papa. नहीं हो पाएगा। कल ही। अरे मैं ही जीतूंगा। मेरा बच्चा बहुत strong है। ये जो पिज़्ज़ा बर्गर खा रही है ना, junk food बन रहा है और इसकी tummy बन रही है। नहीं, पर ये खेलती भी है, okay? She does skating, she does running. Kashvi is the undisputed winner. Is Kashvi Joshi. I'll work on these 10 seconds now. 17 से 10 मिनट का सेकंड और ऊपर गए हो। वाली जो रॉड है ना, जिसपे अभी हमने चैलेंज किया था, इस रॉड से मुझे इतना डर लगता है ना। एक बार मैं ऐसे स्विंग कर रहा था इस पे और ये बाहर आ गई, तो खैर ये लगी नहीं हुई थी ढंग से। तो क्या हुआ था कि मेरा जो पीछे वाला एरिया है पूरा सर का, एकदम मतलब मैं उस पे ही लैंड करा था। 2 मिनट के लिए भाई मुझे कोई होश ही नहीं था, बहुत ही जोर से चोट लगाई थी और मतलब हॉस्पिटल तक जाके मैंने स्कैन वगैरह कराया था, क्योंकि 2-3 दिन तक मुझे चक्कर ही आए जा रहे थे इसके बाद। तो यार इससे मैं बहुत सेफ रहता हूँ। मैं काशू को भी बोलता हूँ, यार स्विंग नहीं करोगे आप, सिर्फ लटक लोगे, बिकॉज लटके हुए ज्यादा से ज्यादा नीचे आ जाओगे, ठीक है, चोट नहीं लगेगी उससे। नहीं, जिस जगह पे भी आप लगाओ ना, जस्ट मेक श्योर ये वाली जो चीज है चौखट, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ना अंदर लगाई थी, वहां पे थोड़ी सी बेंट थी, तो उस केस में उसने अपनी ग्रिप छोड़ दी। तो यार अब हो गया चैलेंज शुरू एक और। एक टांग पे खड़े होना है, तो ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा देर तक एक टांग पे खड़ा रह सकता है। लेट्स सी, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, ठीक है, चलो 1, 2, 3 स्टार्ट। दीदी के घर, और जब गाड़ी में जाएंगे तो अपडेट देती हूँ। तो चलो ठीक है, बाय। तो यार अब ये कर रहे हैं प्लान जाने का उसी फ्रेंड के घर, और ये है भाई आज का ब्लैक फॉरेस्ट केक। अरे वाह यार, भाई उसको ये अभी नहीं लगा सकते, वो बंद नहीं होगा। अच्छा ओके, ये वहीं जाके लगा लियो फिर। हैप्पी बर्थडे दिखा दे। तो यार ये बना चुके हैं केक और ये जा रही है पार्टी करने अपने फ्रेंड्स के साथ। आर यू एक्साइटेड? ऑफ कोर्स। ओके, तो मैं अब इनको विदा कर रहा हूँ घर से, और केक मैं कभी नहीं पकड़ता क्योंकि मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है केक पकड़ने में। तो एक बार काशी के बर्थडे पे पूरा केक नीचे गिरा दिया था। यार हो जाती है गलतियाँ इंसान से यार। वो तो अच्छा हुआ मेरे बनाया हुआ केक नहीं था, इसलिए मुझे इतना दुख नहीं हुआ। ये मैडम चप्पल पहन के चली गई थी, चलो चेंज करके आई हैं, अब ये लोग जा रहे हैं, बाय। ये दोनों जा चुके हैं और मैं जा रहा हूँ वापस अपना बैडमिंटन खेलने। यार एक स्पोर्ट ना लाइफ में होना चाहिए, पता है मेजर फ़र्क आ जाता है, फिर तो जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं होती अगर आप एक स्पोर्ट खेल रहे हो, बस सिर्फ एक स्पोर्ट। इतनी कैलोरीज आप बर्न जिम करके नहीं कर पाओगे जितना आप एक गेम खेल के कर लोगे बैडमिंटन का। मैं आ चुका हूँ बैडमिंटन खेल के, पर ये लोग नहीं आए हैं अभी तक। इन लोगों की पक्का सही पार्टी चल रही है, और मैं खा रहा हूँ अपना पोस्ट वर्कआउट मील। युवल जी इज कमिंग। टिया लुक एट टिया।
सो अब केक कटिंग टाइम हो गया है सात्विकी का. देखो कितनी ब्यूटीफुल डेकोरेशंस की हैं. 1 2 3 स्टार्ट. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. चेरी आज सात्विकी तुम ही टारगेट हो बर्थडे वाला. आपको एक और चैनल बनाना चाहिए मंशा बेक. थैंक्स अ लॉट एक दिन का रेस्ट देने का. आज काफ़ी रिफ्रेशिंग फील किया मैंने. और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारा ब्लॉग नंबर 12 ज़रूर देखें. उससे आपको पता लग जाएगा हम तीनों कितने डेयरिंग हैं. अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. बिकॉज सब्सक्राइब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. थैंक यू गाइस. बाय बाय. बेटा अगर आप रात को लस्सी पियोगे तो बुखार होने का डर है, बीमार पड़ जाएंगे. फिर आप वो लोग कैसे बनाओगे? क्या? Did you listen what she said? No. वो लोग. हाँ वो लोग. वो लोग. वो लोग क्या होते? ओह अच्छा अच्छा. लॉग. ये क्या? लॉग. लॉग. वो लोग. वो लोग. अच्छा आप सिखाओ दादी को कैसे बोलते हैं. व्लॉग. 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 वो आधा और ल में ओ की मात्रा. व्लॉग. 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 हाँ ये बोलो. वेरी गुड. क्लैपिंग. क्लैपिंग दादी के लिए. सीख लिया दादी ने. यस yes.